तो भाई फिलहाल मैंने इनको भर दिया है पानी से, एक यहाँ पे कि ऑलरेडी वहाँ पे रखा है, एक रख देते हैं। तो भाई एक रख दिया यहाँ पे और दो रखे हैं वहाँ, फिर एक रख दिया उस कोने में। सो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक हो। और भाई फिलहाल बज रहे हैं 10 और आज थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ सोके, क्योंकि मुझे जाना है कहाँ पे गाड़ी की सर्विस कराने के लिए, स्विफ्ट को छोड़ के आना है। यार वैसे पेंटर दिख नहीं रहे आज, पेंटर पता नहीं कहाँ गर्मी की वजह से आज दिख नहीं रहे कहाँ गए। तो आप सब भी अपने छत पे ऐसे घड़े के पानी रख सकते हो भाई भर के, चिड़िया और पक्षियों को जो भी पानी की जरूरत होती है तो पी लेते हैं, उनको कहाँ से पानी मिलेगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है गर्मी में उनको पानी नहीं मिलता और उसकी वजह से ज़्यादा पक्षियाँ मरने लगती है। तो प्लीज़ भाई अपने छत पर पानी रखो। भाई इसको देख रहे हो किस तरीके से सो रहा है, देखिए चाचा चाचा रे भाई साहब गिरे ठीक है सास वास ना कहीं ऐसे सो यू अंकल खड़ो गया उस्ताद जी वो बदमाश पूरे दिन सोवा पूरे दिन छाछ भी आधी लगी है। ओहो मेरे तरह हो रहा छाछ भी दिन सो जा, मालिक भी ऐसा ही हमारा उस्ताद भी ऐसा ही। खड़ो जा चल हाँ खड़ो हो जा भाई सब कोई मतलब ना, ये देख ले ये कोई घर में बैठ जा हाँ सस्ते नशे करके सो रहा हूँ। सुन रहे अगर कोई घर में बैठेगा तो तू देख लेगा, खड़ा हो जा उठ वो कुंभकर्ण है यूएस हो या ढाका साइड धर के से निकल जाएगा हम भाई कुंभकर्ण है। तो ऊपर से आ गया था भाई गाड़ी, एक मिनट पहले साफ करो इसे तेरी। अब एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसकी चाबी नहीं पा रही है, इसको धक्का मार के हटाने की कोशिश की पर हो ही धक्का लगे ना। अब चाबी लेने गए देखो मिल जाए तो, इसको छोड़ने जाना मैं वैसे लेट हो चुका हूँ और इतनी देर में पसीने पसीने हो गए, थोड़ा धक्का मारा मैंने। देखो इसको बम्पर कैसे निकला पड़ा है दिख गया। अब अंदर से देखो गाड़ी का क्या हाल कर रखा है, ये हमारा बम्बू चला रहा है या बम्बू आश्चर्य आई थी गाड़ी सीख रहे उन्होंने सीख रहे थे कम से कम साफ तो कर दे इसको। देखो इसमें कितना टाइम लगेगा, बाकी मैंने सोचा तो था इसके अंदर की एक जो उसकी स्पोर्ट्स किट आती है वो लगवा दूँ, मगर जब इतना ऊंचा बम्पर तोड़ दिया स्पोर्ट्स किट को तो कहाँ छोड़ने वाले हैं वो, तो इस फायदे में का कोई फायदा ना है इसके बम्पर को इसी को रहने देते। बाकी इसका बम्पर और हेडलाइट की एडजस्टमेंट, और भाई इस गाड़ी में एक दो प्रॉब्लम हो रहा है जैसे कि गाड़ी पिकअप थोड़ा कम ठा रही है, आवाज़ गाती है कट 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 किसी आवाज़ आती है वो मारुति की हर गाड़ी में आती है। बाकी स्टेयरिंग ये मारुति हर अपनी गाड़ी में यही स्टेयरिंग देने लगी है, अब इनकी छोटी से लेकर बड़ी गाड़ी तक यही स्टेयरिंग है। भाई वारंटी के अंदर इसका स्टेयरिंग चेंज कराऊंगा, स्टेयरिंग ख़राब हो गई मेरे पास। पहुँचते वैसे मास्क ज़रूरी है बट क्या नहीं ठीक है ना, हम जब दो एक तो दो हो जाएंगे जब लेना ही मास्क, अब पता कब होएंगे। सियाज के आगे लगाओ ना ठीक है भाई। तो फिलहाल पहुंच चुके हैं मारुति, क्या हाल है देख ले भैया आओ दिखा देख ले भाई, गरीब आदमी गाड़ी भाई ऐसा मत करो, क्या करना जो करना तुम्हें करना मोह ना करना कुछ भी जो कहोगे वो कर देंगे यार, बस कर दो गाड़ी दूसरी मैं दुआ दो तो बता जा। जिम नहीं कवारी फिर थारी कौन सी थी, जिम भी नहीं आ रही, जिम आ रही है गाड़ी कौन सी थी वही दे दो, जिम नहीं दे दे। चलो भाई देखो भाई होता है सो नहीं, इसके बदले में कोई चीज है इसके बदले में चाहिए डिजायर ना 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 ओ फॉर्च्यूनर फॉर्च्यूनर दे दो फॉर्च्यूनर ले लो भाई, इसका ऐसा ऑलमोस्ट खत्म ही है यो सारी यो सबसे मेन चीज खिड़की हुई है इसके अंदर। भाई ले आए हमारे लिए कागज, भाई देखो ये गाड़ी खरीद लगी भाई तुम्हारी, गाड़ी खरीद लेंगे कोई बात भाई गाड़ी ले लेना भाई इनकी गाड़ी अपनी भाई पैसे दे दो मैं तो उल्टा चला जाऊँ तेरी कसम, 10 लाख रुपए दे दो क्या बात है भाई। तो भाई फिलहाल गाड़ी छोड़ दी है और भाई जा रहे हैं मेरे को ड्रॉप करने के लिए, इनके यहाँ पे पिक एंड ड्रॉप का तो ऑप्शन है और मैं जा रहा हूँ सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन क्योंकि वहाँ पर मिलवाता हूँ। आधे रास्ते में फ़ोन आ लिया कह रहा गाड़ी छोड़ दे मैं वहीं आ रहा हूँ, मकना मैं वहीं आ रहा हूँ। सोच रहा हूँ अपनी गाड़ी को रैप कराने के लिए फॉर्चुनर को, इसको नहीं फॉर्चुनर को रैप कराने की सोच रहा हूँ और वो भी वाइट बिल्कुल प्योर वाइट सुपर वाइट होता ना वो बड़ा, अभी दूसरा वाइट अभी तो उसका वो है पर्ल वाइट, अब वो सोच रहा हूँ उसको सुपर वाइट करा दूँ। तो भाई फिलहाल पहुँच चुका हूँ मैं सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन के नीचे और अभी आ रहा है एल्विश, अब उसका कर रहा हूँ वेट कर रहा है 5 मिनट में आ रहा हूँ। अगर भाई आ जा तो जा कहाँ रहे हैं, कपड़े लेने जा रहे हैं और कहाँ जाएंगे लत्ते लेने जा रहे हैं, तो ये लत्ते फाड़ ब्लॉग भी तो लाने हैं। Yeah.
बच गो। तो वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। भैया यहाँ कहाँ कर रहे हो भैया? अरे भैया यार गाड़ी वाले छाड़ के चले गए मने। कौन सी गाड़ी? वो सिर्फ छोड़ गया ना सर, इस पे उसका इंश्योरेंस पे लेके आया। उसको बम्पर तक आता है यहाँ तो। लेफ्ट सीधा ले, लेफ्ट ले ले यार। मास्क तो है ना अलीश? एक है तो दूसरा चलाना तो कटेगा ना। हाँ भाई सही कह रहा है, कट सकता है। अभी दोबारा स्टार्ट हो गया ना मास्क। कहाँ तू इंगे और घूम कहाँ तू इंगे? इंगे तो आए करूँ मैं। और कहाँ था वहाँ? ये बीच बीच आता तो होगा जरूरत लेकर तने। हाँ सही है, सीधा रास्ता छोटा था। लॉन्ग रूट लेकर आया भाई तू? सही में? हाँ बहुत लॉन्ग लेकर आया। बाकी मैं तो इसका ये रास्ता बता था फाड़ेगा। सीधा सीधा आ मैं तो करता है सीधा यो बिल्कुल झारखंड के सारे रास्ते पता। अटल टनल में भाई साहब आधे घंटे पार्किंग मिली यार, मुश्किल से मिली है। मिली क्या लगा के भगे हम दोनों। हम एम्बियंस मॉल में। अरे अली मैडम, अली सर, मैडम अली सर प्लीज़ गाड़ी हटा दीजिए अपनी। लगा मैडम सर फोड़ दो पर सर गाड़ी नहीं हटाई यार। मैं तो मास्क भी ना लेकर ना अपना, मैं तो अकेले डोल रहा हूँ सुबह तो मौके पता मेरे साथ ही मिल जाएगा। तो मास्क रखने चाहिए यार भाई। थे मेरे पे कब थे? मैं मेरे मुँह के लगाए ओढ़ा ना, मैं तो 2 महीने गए ना। चल देख रही साथ में क्या कहती। चल चल लो यार, देख के वापस आ जाएंगे लेना थोड़ी ना। और क्या, देखने में पैर थोड़ी लगा है। ठीक है ना, थोड़े से ना लेग्स बना ले, बनाने पड़ेंगे। ये खरीदवा दूं? नहीं नहीं, लेग्स लगवा दो। बजरबाद मार्केट मिल जाएंगे? यो लूंगा यो लूंगा ब्लैक ब्लैक तो प्योर ब्लैक लेना फिर तो। हनी गल मत रहे, ये जाएगी भाई। भाई अब फिलहाल जा रहा हूँ आगे, अब गाना याद आ रहा है। मैं लगी मैंने जा रहा थे, पैसे लगते यार आते। हाँ ये ले रहे, ये बढ़िया है। कैसे भाई? So, आप सबको सरप्राइज मिलने वाला है। एक दो ये पर्दा वाला कपड़ा बाहर को निकल के दिखा भाई थोड़ा सा। कहाँ सोच के निकाय तू? बाकी वो फाइनल कर चुका हूँ। वो तो फाइनल है ही, बट ये बच्चे वाले कपड़े कहाँ पहन के आ रहे हैं? तो गाइस काफी टाइम से हमने पोगो चैनल नहीं देखा होगा। पोगो चैनल देखी सोनी चैन पहले ना, बड़ी लग रही है ठीक है। मुश्किल से एक मास्क मिला है। लड़की के साथ कपड़े लेने आ जाना, एलविश के साथ वाला भाई साहब बहुत नकल छाटता है भाईयों। मतलब इतनी परेशान गर्लफ्रेंड ना करे जितने ये करें। कलर साइज और फिर पूरा कपड़ा लेके चेक करके पहर के जब बिलिंग पे जाएंगे ना तब रस्ते में फेंक देना, छोड़ रहे मजा नहीं आया। मैं कितना लड़की जितने नखरे हैं कहते भाई 2 घंटे लिए डॉलर के पसंद आया तुम भाई। सब लड़कियों वाले नखरे तेरे, माँ कसम भाई सब चीज़ तो पसंद आ गया। इतने पूरे दिन तो ना कि केफ वाले ने बंद ही कर दिया। देखा था चला है, कुछ भी ना है, खाना नहीं है। फोटो वोटो की तो नगर खाने के मेरे को कुछ ना खारी तो निकल यहां भाई। इतनी भीड़ है कि जगह ना बैठने को। अब एक बार मां कसम मेरा खाना आ जाना नहीं है। मैं ऑन रिकॉर्ड जा रहा हूं, एक बार मेरा खाना मेरे हाथ में लग जाना या ना बैठो मेरा नाम बदल। बहुत मुश्किल से टेबल मिली है भाई साहब, ऑफर से आगे टेबल में। अभी एक टेबल पर जाके एक लड़की बैठी थी, के लिए जाके कहने लगा कि आपके साथ कोई और भी है? उसने बोला नहीं, बैठ गया। उसने बोले 2 है, तो कह रहा ठीक है हम भी 2 हैं, तो कह रहे हम 3 हैं, करते करते 4 हो गए वो। तो मैंने लिए भाई पाव भाजी और इसने लिए छोले भटूरे। अलविस कैसे खा लेता है इतना ऑयली खाना भाई? पता ही नहीं यार, मन करता है शरीर में बिना ऑयल जाए मजा ना आवे। तेरा गूगल खराब है भाई, गूगल खोला बिना आपका। भाई हमने खाना खाया था, एक चीज़ बताऊँ, हमने खाना खाया
हमने 5 मिनट में खा लिया, पर जो लड़की साइड में बैठी ना जिन्हें टेबल मांगी हमने, मंगाया था और वो एक चम्मच खा हुआ है। क्या हाल है भाई? फिलहाल पहुंच चुके घर। भाई ये छोरा बहुत तगड़ा है हमारा। ले ले खा कर ला जा। शाबाश, वापस चाहिए मुझे, यही यही चाहिए वापस। ले आएगा जान तो मार दे जा, जल्दी आ जा, जल्दी आ जा। वाह भाई तो बहुत समझदार है। अरे समझदार बना रहा है, रोज क्लास लग रही है। कि गुना है देखिए, छुटाना पड़ा मुंह से। अभी इतना बड़ा समझदार है, छोड़ दे। ये तो गुथ है। ले भाई देखा। ओए ओए ले, कम उड़ो। ओ गया ठगला। ले कम इरो इरो। अब ना आओ एक पावर नैप नींद अभी बहुत अच्छी, फिर उसके बाद उठ के जाएंगे आज जिम। आज जिम चलते हैं। वैसे सैटरडे सैटरडे कल संडे, कल वैसे ऑफ हो जाएगा। चलो सीन है, देखते हैं जैसे भी होता है वैसे बनाते हैं। एक घंटे का पावर नैप की जगह 3 घंटे का पावर नैप ले लिया। क्या हाल है? बस बढ़िया, हो गई स्लीप कंप्लीट। ये सेट करता है, सेट कर लो। और आराम से बैठा आराम था। ग्रे रुक जा, ग्रे तो खाया है। खाया है वहां तक नहीं, बहुत पहने हैं मां कसम। सुन रहे उस्ताद, मानो मेरी चर्बी बढ़ी आया पर थोड़ा आराम थे। सुन तू सही, रहने दे बंबू। गलती मत खा दियो। पहले ना कूद रहा था इतना। ओ जमाना है यू। भाई वाला लग पकड़ा है। अभी तो लैपटॉप पर लैपटॉप उठ के मारो। तेरे पहले किरनी लिखवा दूंगा, किरनी कते लिखवा दूंगा। अरे बेटा बर्फ तो कम थी पर मेरा तो दिमाग सुन हो गया है ना, स्ट्रॉन्ग पी ली ना फिर। हाँ हाँ वो भी है, रात नींद नहीं आएगी। मैं सो लियो, मैं वैसे बना हुआ मेरे तो। मैंने तो सोची 1 घंटे का पावर नैप लूंगा और 1 घंटे का पावर नैप के लिए 3 घंटे के लिए। 11:44 एंड अभी जस्ट
मैं एक घंटे पहले मैं घर आया था और एडिटिंग कर रहा था, देन विकास भाई का कॉल आया, मैंने देखा भाई का नंबर चढ़ चुका है, तो नंबर जो लेके आए थे नंबर प्लेट आ गई आर सिनाई, पहले मैं दिखाता हूँ, देख रहे हो गाड़ी का नंबर। अरे वाह भाई वाह, मिलते हैं भाई। अरे अरे कहाँ घुस रहे हो विक्रम भाई, तुम्हारे को दिखते नहीं है, तुम कैसे सुन रहे हैं? अरे विक्रम भाई क्या हाल है भाई, क्या हाल है भाई? अरे मैं आ गया था नीचे, हाँ। फिर मैं वॉशरूम चला गया। ले आए ना दोबारा से मछली मार्केट में। हाँ मछली मार्केट ना, यहाँ जरा स्मेल बहुत लगती है मछली मार। हाँ मैं कह रहा हूँ नंबर तो आ गया, आ तो गया 3003। अब विकास भाई भी 3003 से ही जाने जाएंगे। तो भाई आप सबको एक क्रीम दिखाऊं, अगर ऑफ रोड लवर हो ना तो वो क्रीम है उनके लिए। तो ये है विकास भाई, अब गाड़ी देख के तुम बता दो कि कौन सी में है, पता चल ही गया होगा। सीट पे लिख रहा है वैसे गोरखा है, बट भाई इसका इंटीरियर देखो, अगर ऑफ रोड में जाए ना रॉ है, बिल्कुल रॉ है। और सबसे बेस्ट चीज है इसके, वो भाई करंट मार रहा है। क्या बात है, हां सच में मार रहा है अज्जू का ना जुगाड़ दे टाटा भाई। भैया ने बोला ना कि अभी इसमें मना किया, कंपनी वाले ने लगाना नहीं है, करंट दे दो इसमें, छुएगा ही नहीं कोई, पूरा हाथ उनाट दे यार। मैं तो नहीं टच कर रहा भाई, मैं नहीं टच कर रहा, अब नहीं लगाएगा वो, मैं नहीं लगा रहा, बता दिया मैं भी नहीं लगा। वो तो उतर रहा है गाड़ी से, उतर जा, उतर वो तो उतर गया भाई, आज उतर गया भाई। अरे कुछ नहीं होता। अरे नहीं नहीं बहुत तगड़ा करंट लगा यार, हाथ नहीं देखा तुमने मेरा, यहां पे नीचे लगा दिया। तो भाई ये है वैसे गोरखा, करंट मार दिया भाई इसने मेरे को, बट इसकी हाइट देखो ना भाई, थार से तो बहुत ऊपर हाइट है। थार से कम है, बट लग रही ऊंची क्योंकि इसका ना वो भी देखो ना रेडिएटर, ये टच हो सकता है नीचे, उसके जो पार्ट्स भी है ना वो सारे ऊपर नीचे हैं। ये देखो भाई चला के देखेंगे बाद में रिव्यू। भाई मैं तो देखो चलाऊं नहीं, मेरे को तो पहले करंट मार दिया इसने तो। अज्जू का अज्जू टोयोटा के बगैर अज्जू कोई गाड़ी ना बिठा। नहीं भाई बैठाने वाली, अरे नहीं ऐसे कोई बात नहीं है, वो मैंने पूरा मना कर दे यार, करंट मारा है ना, दौड़ा चटाका उठाया। तो भाई फिलहाल कॉफी ले लिया भाई जी, मेरे लिए नहीं बनी गुटका, मेरे लिए नहीं बनी है गुटका, मेरे लिए नहीं बनी के अलावा नहीं। टोयोटा, अरे नहीं मैं आपसे दोस्ती करा देंगे उसकी। हाँ पूरा उसने तो गियर बाहर लगाता नहीं, तेरे कर हटा ले हाथ, हाथ हटा। तूने तूने बिठते उसका नु बोल दिया ना कि इसका डैशबोर्ड ज्यादा ज्यादा ही रो है कुछ नहीं, जो था वो बोला। नहीं वो तो ऑफरोडिंग के हिसाब से, बहुत ऑफरोडिंग के हिसाब से सही दे रखी है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम हो चुका है 1:30 बज लिया है एंड अभी पहुंचाऊंगा वापस घर भाई। तो चलो भाई इस व्लॉग को कर देते यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और भाई कमेंट करके जरूर बताना व्लॉग कैसा लगा, और कमेंट करके ये भी बताना कि भाई नई नई चीज़ें क्या देखना चाहते हो। बाकी मिलते हैं कल सुबह।